फ्रेंड्स इन वीडियो पाकपोम टीआरपि पालिटेक्निक एक्साम न्यू अप्डेट वन सो पता पाकपो टीआरपि टेलीग्राम ग्रूप लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टच पड़ी जॉन पड़ी के फ्रेंड्स सो अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टडी मटेरियल पता पाकपो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टीआरपि पाती पदनेल मार्क्स वो केपा सो अल मार्क्स स्टडी मटेरियल मट प्रिपेर पड़ा बोम ईसिया पदनेज मार्क्स वो ईसिया स्कोर पड़ेल सो नहीं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टडी मटेरियल पई पड़ी के फ्रेंड्स सो वीडियो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टच पड़ी क्लिक पड़ी पांग फुल डीटेल वो एक्सप्लेन पड़ा सो अ मेटीरियल मट प्रिपेर पड़ा बोम टीआरपि एक्साम ईसिया वह क्लियर पड़ा सो टीआरपि पालिटेक्निक एक्साम रेल 1058 वैकेंसी की 133,000 सो 133,000 पेर पाती 2110 सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कलेक्टर सो अदक पाती एक्साम 196 केस वो कंडक्ट पड़ा सो केस पाती 2 years सो 1 year बिफोर पाती टीआरपि पालिटेक्निक एक्साम री एक्साम नोटिफिकेशन वो रिलीस पड़ा सो अदम पाती केस वो अद फाइनल सेटलमेंट वो रिलीस पड़ा सो टीआरपि पालिटेक्निक वेरी वाल तेरु मुनिपत मनु तलुपी पालिटेक्निक वेरी वाल तेरु मुन नीतिपत मनु हाईकोर्ट किल तलुपान तमिलेक्निक कलूर खालिया 1058 पणियड़ निरपाल அறிவிப்பை सो तेरु रत्त सेय पट्टते एदिर्तुं मुरेकेटिल ईडुपट्टवर्गळै तविर्त्तु मत्र तगुदियानवर्गळै नियमिक्क कोरियुम पलर हाईकोर्ट्टिल वळक्कु तोडर्ंदनर इदिल तेरु रत्त सेय पट्टते सरि एन हाईकोर्ट उत्तरविट्टते सो इदै एदिर्त्तु पलर उच्चनीतिमन्रत्तिल मनु सेय्दनर इदिल हाईकोर्ट्टिन उत्तरवै उरुदि सेय्द उच्चनीतिमन्रम मनु तर तेवैप्पट्टल सम्बन्धप्पट्ट हाईकोर्ट्टै अणुगि निवारणम पेरलाम एन कूरियदु இதையடுத்து தேர்வில் கலந்து கொண்ட பலர் ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் மனு செய்தனர் அதில் தேர்வை ரத்து செய்து தவறு என்றும் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்களை தவிர்த்து மற்றவர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் என கூறியிருந்தனர் இதை விசாரித்த தனி நீதிபதி முறைகேடு நடந்ததால் தேர்வை ரத்து செய்தது சரிதான் என தீர்ப்பளித்தார் ஸோ இதை எதிர்த்து பலர் ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் அப்பீல் செய்தனர் இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் எம்எம் சுந்தரேஷ் எஸ் ஆனந்தி ஆகியோர் பிறப்பித்த உத்தரவில் 2017 முறைகேடு தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மனுவில் எந்த முகாந்தாரமும் இல்லை தேர்வில் பங்கேற்ற யாருக்காகவும் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது தனி நீதிபதியின் உத்தரவில் தலையிட வேண்டியதில்லை என்பதால் இந்த மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது என உத்தரவிட்டுள்ளனர் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம் ரீ எக்ஸாம் கன்ஃபார்மாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் அல்லது மே செகண்ட் வீக் வர சான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள்